आपको सस्ते में ट्रैवल करना है तो आप वो इबीबो की साइड में जाके बस टिकट आराम से बुक कर सकते हो। आपको 400 से 500 में स्लीपर बस मिल जाएगी, और अगर थोड़ा ज़्यादा बजट है तो एसी वाली भी ले सकते हो, वो आपको 600 से 700 में आराम से मिल जाएगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा, लेकिन भाई इनके चार्जिंग बहुत निकल रहे, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, पूरे फ़ोन स्विच ऑफ होने के कद आ रहे हैं। भाई दिल्ली पहुँच चुके हम मथुरा, मथुरा का बोर्ड भाई आधा खा। ऐसा है कुछ हमारा रूम, ये बेडरूम है, वो बालकनी बाहर को मतलब थोड़ा सा, ये वॉशरूम, ये मिरर, ये और एसी, एंड गाइस ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है सिर्फ 500 रुपीज़ में, ठीक है। ये रही हमारी स्पेशल थाली 160 रुपीज़, एंड ये 100 रुपीज़। ये मंदिर खुल जाता है भाई 4:30 खुलता है, अभी पता चला आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो ब्लॉग भाई आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है भाई जम्मू से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ भाई एक ट्रिप पे, बड़ी खतरनाक ट्रिप रहने वाली है भाई। मैं जा रहा हूँ मथुरा, और मेरे साथ आ रहा मेरा एक दोस्त, वो अभी डिनर पैक कराने गया क्योंकि हम भाई बिना खाना खाए आए हैं उधमपुर से। तो देखते हैं भाई क्या बनता है, आज ऐसे ही अचानक से प्लान बन गया और भाई निकल लिए हम, और आज हम गाड़ी से नहीं जा रहे क्योंकि भाई हम दो बंदे जा रहे हैं और कोई प्लान नहीं है कि वहाँ से हम कहाँ निकल जाएंगे, तो इसलिए जो रहेगा थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही रहेगा। तो बाकी आप इंजॉय कुछ पीछे का नज़ारा, यहाँ से हम बस वगैरह हमने बोर्ड कर लिया, फेयर भी जेन्युइन है, नॉर्मल है भाई, क्योंकि जो गाड़ी से ट्रैवल करते हैं तो वो इस फेयर के तो क्या ही बेयर करेंगे। सो हमारी बस लगी वहाँ पे पीछे जाके वहाँ पे, तो अभी बस में जाते हैं फिर मैं आपको बस का टूर कराता हूँ। भाई बस भी तगड़ी है एक नंबर, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं मांगा भाई, 7 something 7 के करीब करीब मेरे को पड़ा है, तो बस दिखाता हूँ मैं आपको। अभी अरे ये लगी हमारी बस, ये वाली लगी है बस, एसी स्लीपर फुल एसी है, लेकिन हमको डर है भाई हमारे पास ना ही डर। बस के अंदर कुछ ऐसा नज़ारा है, और यहाँ पे भाई ये है कैबिन, और नज़ारे देखो ये कुछ कैबिन के लोग हमारे वाले कुछ ऐसे, हमने गंद डाल के रखो हुआ है, बैग पड़े हुए हमारे, और चलो बस चलने वाली है तो चलती है, तो आपको दिखाते हैं सफ़र का आनंद उठाते हैं और आपको भी लेके चलते हैं श्री बांके बिहारी जी की नगरी में। जय श्री राधे। सो गाइस अभी हम रुके हैं भाई एक ढाबे पे, एंड डिनर विनर हमने किया, फ्रेश वगैरह हुए, अभी टाइम हो रहा है लगभग 1 बजे हैं, और गाड़ी कुछ इस तरीके से ढाबे पे रुकी हुई है, ये कुछ गाड़ी है, दो गाड़ी हैं साथ साथ में चल रही हैं ये, और ऐसा कुछ नज़ारा। बाकी हमने डिनर विनर कर लिया, बाकी का सफ़र आपको आगे जाके दिखाता हूँ। अभी मैं खा रहा हूँ ब्रेड पकौड़ा सुबह सुबह, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, टाइम हो रहा है भाई 6 बज चुके हैं, और बस रुकी थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र में, और भाई ऐसा कुछ ढाबे का लोकेशन है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा, लेकिन भाई इनके चार्जिंग पोर्ट नहीं चल रहे, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, पूरे फ़ोन स्विच ऑफ होने के कद आ रहे हैं भाई, और मेरा पावर बैंक भी डेड हो गया। देख सकते हो भाई इस प्राणी को देख के, पूरा फुल मजे में लेटा हुआ है। यहाँ पे हमारे चार्जिंग पोर्ट काम करके भाई ड्राइवर को बोला भाई हमारे फोन स्विच ऑफ होने वाला, लगा फिर लगाया जाके, बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है भाई, हम बैठे हैं इमरजेंसी विंडो के पास, कुछ भी आपत्तिकालीन होता है तो हम बाहर चले जाएंगे। और भाई बड़ा मज़ेदार सफर था, यहाँ पे आने के लिए आपको क्या करना है भाई, अगर आपको ये अगर आप बस में ट्रैवल करना चाहते हो तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि यार अगर आपको सस्ते में ट्रैवल करना है तो आप गोइबीबो की साइड में जाके बस टिकट आराम से बुक कर सकते हो, आपको 400 से 500 में स्लीपर बस मिल जाएगी, और अगर थोड़ा ज़्यादा बजट है तो एसी वाली भी ले सकते हो, वो आपको 600 से 700 में आराम से मिल जाएगी, ज़्यादा हेडेक नहीं है। सीढ़ियाँ पे अवेलेबल होती है एसी, बहुत सारी बसेज आती हैं वहाँ पे, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन में जाके आराम से गो आई भी जाएंगे। रेडियो नहीं है, जस्ट मैंने बुक करा, मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है। और अभी हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे, बस दिल्ली विद इन 15 मिनट के हम दिल्ली पहुँच जाएंगे, 15 मिनट के अंदर। हाँ आगे का मैं प्रोसेस बताऊंगा कि हम जा रहे हैं मथुरा, तो मथुरा वहाँ से कैसे जाएंगे, हम उतरेंगे ISPT कश्मीरी गेट से, तो कश्मीरी गेट के बाद हम वहाँ से पकड़ेंगे एक अपनी दूसरी वोल्वो बस, जो हमको 100 to 200 रुपीज़ में वहाँ पे सीधे मथुरा उतार देंगे। तो आगे
आगे का सफर भी बने रहिए, एंजॉय करिए, देखते हैं। फाइनली पहुंच चुके हम दिल्ली एंड भाई बड़ा मजा आया। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, बस वाले ने क्या लिंदल सेठ बटी है, क्या यूँ डोगरी में बोलते हैं। हमने भाई सामने ISBT कश्मीरी गेट, यहाँ से निकलेंगे आराम से और करते हैं मथुरा की बस बोर्ड, फिर मिलते हैं आपको मथुरा की हसीन गलियों में आज रामनवमी के दिन। आपको बस ISBT से नहीं मिलेगी, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, एक कालका नाम करके जगह है, वहाँ से आपको बस मिलेगी मथुरा। दिल्ली पहुँच चुके हम मथुरा, मथुरा का बोर्ड भाई आधा खा चुका है। और ये है भाई यमुना एक्सप्रेसवे, इसको हम छोड़ने वाले हैं अभी और जब नीचे लगे हैं भाई ऑटो वगैरह, हमको उसी से आगे का सफ़र तय करना है, तो ऑटो पकड़ते हैं और निकलते हैं वृंदावन की ओर। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं वृंदावन, झलक देखोगे, देखो हाय वृंदावन यार, एक अलग ही खुशी मिलती है, दिल को ऐसा सुकून मिलता है क्या ही बताऊंगा। राधे राधे, हर जगह राधे राधे, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने होटल के रूम में एंड भाई रूम का टूर कराता हूं। ऐसा है कुछ हमारा रूम, ये बेडरूम है, वो बालकनी बाहर को मतलब थोड़ा सा, ये वॉशरूम, ये मिरर, ये और AC एंड गाइस ये सारा कुछ इंक्लूडिंग है सिर्फ 500 रुपीज़ में, ठीक है। ये हमारा कोई भाई बंधु था जिसने हमको ये ट्रिक बताई, ट्रिक नहीं बताई, मतलब आप यहाँ से थोड़ा सा कोई भी अच्छा सा होटल आपको मिल सकता है सस्ते रेंज में, ठीक है। लास्ट टाइम यार बहुत भीड़ थी और इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, हमने इससे भी बेकार रूम लिया था ऑलमोस्ट 3500 में, और इस टाइम पे मतलब सीधे कितना कट हुआ, मतलब सीधे 3000 बच गया हमारा 500 में ये रूम मिला। अभी AC फैन सब कुछ अवेलेबल है, सारी सर्विसेज अवेलेबल है। सो हाँ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस जगह का जहाँ जिस होटल में है, इसका नाम है 4G होटल करके कुछ नाम है, आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। बाकी अब मैं करता हूँ थोड़ी सी रेस्ट, आफ्टर दैट हम जाएंगे एक प्यारी सी शहर पे वृंदावन की, तो फिर मैं मिलता हूँ आपको आगे। फाइनली नहा धो के फ्रेश होकर अब हम निकल चुके हैं भाई गोकुल की गलियों में, और अभी हम ढूंढ रहे हैं एक अच्छा सा ढाबा जहाँ पे भाई खाना खाएंगे, ठीक है, मज़ेदार स्वादिष्ट भोजन, क्योंकि भाई सुबह से हमने सर पे क्या खाया बताया तो था, मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं खाया, मतलब एक कोल्ड ड्रिंक पी थी, एक समोसा खाया था जहाँ पे बस रुकी थी हमारी, पर अभी हम ढूंढ रहे कोई अच्छा सा ढाबा और घूम ही रहे हैं, कब से मिल तो रहा नहीं, तो लेट्स सी आगे क्या मिलता है क्या नहीं कैसा रहता है देखते हैं। चलिए हम अभी आए हैं एक ढाबे पे एंड भाई मेन्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का, करो भाई चेक करो 160 100 और इजी वाला, आप 100 रुपये में यहाँ पे मज़े से ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी कर सकते हो। हमने एक ही मंगाई है, एक ही मंगाई, हम दोनों की टेस्टिंग करेंगे कौन सी बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वांटिटी वाली है, ये हमको मतलब वेस्ट होगा, ये सही है यार, मतलब 100 में ये और ये बोल दिए शादी और स्पेशल, ये खाते हैं फिर आपको दिखाते हैं थाली कैसी रहती है। गाइस ये रही हमारी स्पेशल थाली 160 रुपीज़ एंड ये 100 रुपीज़, इसमें क्या है पनीर है, ये दाल है और दो रोटी, दो रोटी चार रोटी, दो रोटी पापड़ और जीरा राइस, और इसमें प्लेन राइस है, चार रोटी हैं, आलू मटर की सब्जी और नॉर्मल सब्जी, दाल मतलब और प्याज, और करते हैं एंजॉय फिर टेस्ट बताते हैं आपको बाद में। फाइनली खाना पीना हो गया है और अभी हम आ गए भाई प्रेम मंदिर में, 4 बज गए और 4 बजे ये मंदिर खुल जाता है, भाई 4:30 खुलता है, अभी पता चला आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, तब तक हम कृष्णा बलराम मंदिर से होकर आता है, लेकिन भाई लास्ट टाइम हम ना अंदर नहीं गए थे, इस बार हम अंदर जाएंगे और पूरी रात इधर ही बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं यहाँ से यार, मतलब इस बार पास खूब टाइम है, हर मंदिर में ना हम 2-2 घंटे बैठे रहेंगे, 3-3 घंटे, जब तक मन नहीं भरेगा कि नहीं अब इससे जाना है, तो भाई ब्यूटी देख रहे हो और यहाँ की वाइब देखो, एक बार वाइब चेक करो, लोग देखो भाई अलग ही फील आती है कसम से, जैसे मज़ा आता है यहाँ को, अलग ही मतलब गूज़बम्स आते हैं बंदे को यार। चलो अंदर जाके दिखाता हूँ आपको।